चलो उन्हें भी देख लेंगे। तुम मत करो फिक्र इसकी, जो सरजमीन वो हासिल करना चाहते हैं उसी जमीन में दफन करूंगा उन्हें। दफन कर दो उस्मान, दफन कर दो। जब मैं वापस आऊंगा तो मैं तुम्हें दफन कर दूंगा। क्या लगता है जाने दूंगा तुम्हें? तुम नहीं जा सकते कहीं भी। उस्मान साहब, नाइमान का सर गजन खान का हक है। वो एक बड़े दस्ते के साथ जाएंगे। गजन खान नाइमान को जिंदा चाहते हैं। उस्मान साहब, मैं मजाक नहीं कर रही, आपको गजन खान का हुक्म मानना पड़ेगा जिसने आपको कई बार बचाया। नाइमान का सर कलम करना आपका हक नहीं। एसरीगुल खातून, जो चाहे ठीक है। अयाज इधर आओ जरा। जो हुक्म जनाब। सिपाहियों, तुम इसे लेकर इसकी करारगाह जाओगे और वहां मुहाफिज मुंतजर होंगे। वहां कोई भी अंदर नहीं जा पाएगा। यानी शहर जा रहे हैं। चलो इसे उठाओ। सरदारान, भूलना मत, ये दोनों बड़ी फौजें आपस में मिल जाएंगी। अफंदी, दरअसल उस्मान ने, उसने नाइमान को घेर लिया है, वो उसको मार डालेगा। उस्मान नाइमान के बाद नहीं रहेगा और वो अपने बाप दादा की तरह मजीद चाहेगा। उस्मान की नजरें हमारे कलों पर पड़ी हुई है सरदारान, हमें अपने कलों में जाकर एहतियाती तदाबीर करनी है। तकफुरो खामोश। दीवारों के पीछे छुपने का दौर अब खत्म हो चुका है। हम हमला करेंगे। हम तुर्कों को एक मैदान में खत्म करेंगे। हम नाइमान के लश्कर के बगैर ऐसा नहीं कर सकते। टैग फॉर वायलेंस। मैं कुस्तंतुनिया जाऊंगा। मैं शहंशाह अंत्रोनकोस से फौज तलब करूंगा। अगर हम नाइमान को बचाएंगे तो हमें शहंशाह की जरूरत नहीं पड़ेगी। नाइमान को उस्मान से अब कोई नहीं बचा सकता, याद रखो। नाइमान अब एक मुर्दा आदमी है। अनकरीब मैं उस्मान को कत्ल कर दूंगा और उसके पास जो कुछ है सब छीन लूंगा। लियो, घोड़े तैयार करो। चलो चलते रहो। चलो चलो, चलो।
आगे। जाइए, मुझे गुजरने दीजिए, गुजरने दीजिए। ये तो कुछ भी नहीं है उसके आगे, जो कुछ तुमने किया है। इधर देखो जरा, इधर तुम्हें तुम्हारी मौत की तरफ चलकर नहीं जाने दूंगा। हट जाइए, रास्ता छोड़िए। आप क्या कर रहे हैं उस्मान साहब? इंसान जो बोता है वही काटता है। चलो चलो अंजाम की तरफ चलो, मौत की तरफ चलो। सभी जुल्म और इंतजार फैलाने के पीछे था। नायमान गीदड़ तुम सबके सामने है। अब हैसरी गुल खातून का कहना है कि इसका सर उतारने का हक गजन खान का है, मगर मेरा मानना है कि बेहतरीन दुश्मन मुर्दा ही होता है।
इसने मेरे लोगों पर जुल्म ढाया, इसने मेरे लोगों का खून बहाया, इसलिए इसका सर उतारने का पहला मेरा हक है। आप जो कर रहे हैं उसका अंजाम पूरा होगा उस्मान साहब। नाइमान तबरेज जाएगा और इसका हिसाब गजन खान करेंगे। ओ, नहीं, अब मैं इसको अपनी आंखों के सामने से हरगिज दूर नहीं करूंगा। गजन खान को अगर ये चाहिए तो इसका सर भिजवा देंगे। मेरी मौत इंतकाम की आग भड़काएगी उस्मान। जंग इंतकाम से भी बड़ी होती है। जो कोई हमारी सरजमीन हासिल करने की हिम्मत भी करेगा उसका अंजाम यही होगा। इसका गलीज सर उनके लिए इबरत होगा। उस्मान साहब, हसीम टेंगरी, मैं आपके लिए लड़ा हूं और मैं आपके लिए मर जाऊंगा। हाँ, मगर हर चीज वसूलन ठीक हो जाएगी। लो, तुम्हारा वक्त भी आ गया। ये क्या किया उस्मान साहब? जो जरूरी था वो किया मैंने, बगैर किसी हिचकिचाहट के। गजन खान के शिकार पर हाथ मारा है, इसका हिसाब आप कैसे देंगे? उसके चाहने से शिकार उसका नहीं होगा, बल्कि शिकार उसका होता है जो सर उतारता है। और ये जरूर गजन खान से जाकर कहना। आ जाए, आ जाए, आप भी ऊपर आ जाए। आज यहां फिर एक जालिम का सर धड़ से अलग हुआ, लेकिन अभी भी बहुत से बाकी हैं। वो सब हम लोगों के लिए घात लगाए हुए हैं। इससे पहले कि वो हमला करें, हम उन पर हमलावर हो जाएंगे। ये फतुहात रुकने वाली नहीं है सिपाहियों। तमाम सरजमीनों और तमाम कबाइल और तमाम कलों को खबर भिजवा दी जाए। हर बहादुर जो तलवार उठा सकता है हमारे शाना बशाना खड़ा होगा। जैसा आपका हुक्म जनाब। तमाम के तमाम तुर्क कबाइल आज से सिर्फ एक झंडे के नीचे जमा होंगे। सालिमों के अंजाम का वक्त आ गया है। अल्लाहु अकबर, 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 अल्लाहु अकबर।
अच्छा तुम लोग हो, इजाजत है, इजाजत है, आ जाओ अंदर। खैरियत तो है ना मेरे भाई, दुल्हे की तरह लग रहे हो तुम। कुछ तो ऐसा है जो हम नहीं जानते। किस तरह का दुल्हा, क्या मतलब? दुल्हा मैं नहीं, हाँ तुम हो दुल्हा, वो भी ताजा दम। हर किसी को अपने जैसा नहीं समझा करो। नहीं मेरे भाई, तुम वाकई अच्छे लग रहे हो। जरकुताई सही कह रहा है। एक बात तो बताओ, क्या चाहते हो तुम लोग जब मैं बाहर जाऊं तो क्या फटे हुए कपड़े पहन के जाऊं? बोलो। बिल्कुल नहीं, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। तुम एक खूबसूरत आदमी हो, तुम्हारी शादी किसी खान की बेटी से होनी चाहिए। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें मंगोली जबान सिखा दूंगा। तुम्हें इसकी जरूरत पेश आ सकती है। अच्छा मजाक कर लेते हो तुम जहर खुदा है। चलते हैं, सरदार इंतजार करें। अब ये सब बातें बंद करो। हाँ चलो। सरदार तो हमारा इंतजार कर रहे हैं, लेकिन लगता है तुम्हारा कोई और इंतजार कर रहा है। अच्छा अच्छा मजाक कर लेते हो तुम भी भाई। एतराफ कर लो मेरे भाई। कैसा एतराफ, रास्ता छोड़ो जहर खुदा है, जाना है, पीछे हटो। मैंने कहा कि पीछे हटो भाई। हा? तुम हमें नहीं बताओगे कि किस तरह तुमने असरे गुल खातून को बचाया? प्यारे भाइयों, तुम लोगों की बातें सुनने से बेहतर है कि मैं मोहतरमा कराइबे से डंडे खा लूं। नहीं बिल्कुल नहीं खाने, मार खाना बहुत बुरा लगता है। हाँ चलो, अब देर हो रही है, आ जाओ भाई। चलो भाई, चलो भाइयों, चलो चलो, आ जल्दी। भाई हम लोग उस्मान साहब के पास जा रहे हैं, अब तुम्हारा अल्लाह ही हाफिज। भाई हम दीवान जा रहे हैं, तुम भी आ जाओ। भाई हम दीवान जा रहे हैं, तुम भी आ जाओ, चलो। आपका जख्म कैसा है बुरहान सिपाही? अल्लाह का शुक्र है, इन जख्मों से ज्यादा बड़े जख्म खाए हैं मैंने। मैं इन हंगामों के दरमियान आपका शुक्रिया अदा नहीं कर सकी। अस्तग़फिरुल्लाह सरिकुल खातून, फर्ज को पूरा किया जो मिला था मुझे। नहीं, आपने फर्ज से ज्यादा किया है। मेरी जान आपकी कर्जदार है। नहीं सरिकुल खातून, आप पर मेरा कोई कर्ज नहीं। जो काम मुझे सौंपा गया वो मैंने किया। ये आपके लिए। असरिकुल खातून मैं ये कबूल नहीं कर सकता। ये तोहफा है बुरान सिपाही, तोहफे से इनकार नहीं किया जा सकता। अल्लाह आपको हमेशा आबाद रखे। आपने मेरी हिफाजत की, उम्मीद करती हूं ये आपकी हिफाजत करेगा।
दीवान में इंतजार हो रहा है, जाना पड़ेगा। आप जीती रहें, चलता हूं।